Okay, so good afternoon. Welcome back to the English class. And today is our day 8 class. And today we are going to solve some questions based on the uses of conjunction. Conjunction ke use pe jo bhi kuch rules hain, us rule pe jo questions bante hain, usko hum log self assessment exercise mein shuru karne ja rahe hain, banana shuru kar rahe hain. और उसको देखेंगे कि कौन कौन सा रूल कैसे कैसे उसमें लगता है. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वी आर गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास. आप लोग भी फटाफट जुड़ जाइए. बहुत अभी बहुत कम बच्चे हैं, तो फटाफट जुड़िए. और ये क्लास जो है कंजंक्शन सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1 है. इसके दो क्वेश्चन को हम लोगों ने कल डील किया था, बट आज फिर से हम एक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही डील कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि आइदर यू कैन कॉल हिम और मीट हिम. इसमें मिस्टेक की चर्चा हमने की थी कि ये जो आपका सेंटेंस है, ये दो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, पेयर कंजंक्शन से जुड़ा है, आइदर और से. ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेटिंग या कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं. तो कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शन की खासियत ये होती है कि ये जनरली एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करते हैं, यानी कि जो भी है इनके दोनों पेयर में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए. अगर नाउन है पहले पेयर में, पहले में, तो सेकेंड वाले में भी नाउन ही होना चाहिए. पहले में एडजेक्टिव है तो सेकेंड में भी एडजेक्टिव, पहले में वर्ब है तो सेकेंड में भी वर्ब होना चाहिए. तो ये आइदर और जो कंजंक्शन है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आइदर के बाद में कौन सा वर्ड आया है, प्रोनाउन आया है यू. और दूसरा जो इसका पेयर है और के बाद में आप देखें कि मीट आया है, जो कि वर्ब है. ठीक है, मीट वर्ब है. तो एक तो प्रोनाउन और दूसरा वर्ब को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है. सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करना चाहिए. और इसके लिए अगर हम देखें तो आप देखिए यहाँ पे यू कैन आइदर कॉल हिम. अब यहाँ पे आइदर जो है इसने किसको जोड़, किसके पहले आया है, कॉल के पहले आया है, और भी जो है वो मीट के पहले आया है. दोनों ही वर्ब हैं. तो आप देख रहे हैं कि आइदर और ये वर्ब को ज्वाइन कर रहे हैं और दोनों ही वर्ब हैं, तो यहाँ पे ये सही है. तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं, तो उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको ध्यान से देखना होता है. सेकेंड वाले एग्जाम्पल में हम लोग अगर देख रहे हैं तो ही इज़ एज बेटर अ स्टूडेंट दैन हिज ब्रदर. तो यहाँ पे क्या है कि एज लगा हुआ है, और एज डॉट डॉट एज हो या सो डॉट डॉट एज हो, तो इसके साथ में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ होता है, कंपैरेटिव डिग्री का नहीं होता है. तो आप देख सकते हैं कि एज लगने के बाद में यहाँ पे कौन सा डिग्री आया है, बेटर आया है. बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहीं पे आपका सेंटेंस ये गलत हो जा रहा है. यहाँ पॉजिटिव डिग्री से ये सेंटेंस बनेगा. तो इस सेंटेंस को अगर रिफॉर्म किया गया तो यहाँ देखिए आप, ही इज़ एज तो आ गया, लेकिन बेटर की जगह हमें गुड लिखना पड़ेगा. ही इज़ एज गुड अ स्टूडेंट एज हिज ब्रदर इज. ठीक है, तो एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज के साथ हमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ करना पड़ेगा. इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं. ये है, ही इज़ अ बेटर स्टूडेंट दैन हिज ब्रदर. तो यहाँ पे आप देखिए कि जब बेटर का यूज़ हुआ है यहाँ, तो एज हट चुका है. ठीक है, तो एज या तो रहेगा तो फिर पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, अगर एज नहीं है तो फिर आप कंपैरेटिव का यूज कर सकते हैं. तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था. जरा बच्चों को देख ले. अभी ऑनलाइन प्रिया सिंह हैं. चलिए, गुड आफ्टरनून प्रिया जुड़ने के लिए. और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे और भी बच्चे जुड़ जाएंगे. तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. और क्वेश्चन नंबर 3 में ही डिडंट अटेंड द क्लास बिकॉज ऑफ ही वाज आउट ऑफ स्टेशन. वह क्लास अटेंड नहीं कर सका क्योंकि वह शहर से बाहर था. आउट ऑफ स्टेशन का मतलब होता है शहर से बाहर होना. अब प्रिया ये बताइए कि इस सेंटेंस में क्या एरर है. एक तो ये सेंटेंस हुआ, दूसरा सेंटेंस भी मैं पढ़ देता हूँ, समझिए. आई डिडंट मीट हिम, मैं उसे नहीं मिला. हाउ एवर
ही वॉज हेयर बिटवीन मॉर्निंग टू नून। हालांकि वो यहाँ पे मॉर्निंग से नून तक यानी सुबह से दोपहर तक था, लेकिन मैं उसे नहीं मिल पाया। दीज आर द टू सेंटेंसेस एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट आर द एरर्स। चलिए आपके जरा आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए। तो प्रीतम कुमार गुड आफ्टरनून, कुमारी सुजाता गुड आफ्टरनून, ये दोनों ही क्वेश्चंस के ने क्या एरर है जरा बताइए इसको फटाफट। आ रहा है व्यू या नहीं आ रहा है? थोड़ा आज नेट की प्रॉब्लम है, इसके लिए कुछ हो सकता है कि रुक रुक के व्यू आ रहा हो। तो नेट की प्रॉब्लम की वजह से, नेट का स्पीड आज बहुत स्लो है और इसकी वजह से लग रहा है कि क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मोबाइल का नेट स्पीड बहुत स्लो है आज। पुष्पांजलि कुमारी भी जुड़ गई हैं। चलिए तो हम ये बोल रहे थे कि ही डिडंट अटेंड द क्लास बिकॉज ऑफ ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन। तो वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन था। तो आप यहाँ देखिए कि बिकॉज ऑफ जो है, ये बिकॉज ऑफ यहाँ जो आया है, बिकॉज ऑफ और बिकॉज के यूज़ में हमने आपको फ़र्क बताया था कि बिकॉज जो होता है वो कंजंक्शन होता है और बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन होता है, और बिकॉज ऑफ के बाद में जो वर्ड आता है वो नाउन या नाउन फ्रेज होता है, और बिकॉज अगर होता है तो उसके बाद पूरा का पूरा क्लॉज आता है। तो यहाँ बिकॉज ऑफ है, इसके बाद प्रीपोजिशन आना चाहिए था, लेकिन आप देखिए कि ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन पूरा का पूरा क्लॉज आया है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से नहीं हो करके, अगर इस सेंटेंस को हम लिखना चाहें तो यहाँ पे ऑफ हट जाएगा और ये सेंटेंस हो जाएगा बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन। तो यहाँ पे आप देखिए कि बिकॉज ऑफ नहीं होगा। बिकॉज ऑफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, तो ये पूरा क्लॉज आ रहा है। तो बिकॉज कंजंक्शन होता है, बिकॉज के बाद में पूरा क्लॉज आता है, और बिकॉज ऑफ के बाद में सिर्फ नाउन या नाउन फ्रेज आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग आते हैं तो आई डिडंट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला। हालांकि ही वॉज हेयर बिटवीन मॉर्निंग टू नून, जबकि वो यहाँ पे मॉर्निंग से नून तक था। तो इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है बताइए। इस सेंटेंस में जो प्रॉब्लम है उसको जरा मैं अगर सॉल्व करूं तो हाँ, वेरी गुड। अब यहां देखिए कि यहां जो एरर है वो ही वॉज हियर बिटवीन मॉर्निंग टू नून, तो बिटवीन के साथ जो होता है तो ये सेंटेंस जो होगा वो ऐसे होगा, इसमें ही वॉज हियर बिटवीन मॉर्निंग एंड नून,
ये आप देखिए कि बिटवीन के साथ पेयर जो होता है वो एंड का होता है, इसलिए यहाँ पे एंड लगेगा ना कि टू लगेगा, ठीक है। तो ये एंड की वजह से ये सेंटेंस में मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं, ही कंपनीड मी अनटिल द पार्क, हिंदी होता है इसका कि वो मुझे पार्क तक साथ गया, मेरे साथ गया। तो अनटिल द पार्क, ही कंपनीड मी अनटिल द पार्क, इसमें क्या एरर हो सकता है बताइए। नेट का स्पीड आज काफी स्लो है। जैसे हम लोगों को मैनेज करना पड़ रहा है। हाँ गौरी शंकर बिल्कुल सही है, टू नहीं होगा एंड होगा, ठीक है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 में, ही कंप्लीट मी अनटिल द पार्क। तो अनटिल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अनटिल का यूज़ हम लोगों ने पढ़ा है कि समय के लिए, तक के लिए होता है, यानी कि अनटिल 4 PM, अनटिल 5 PM या अनटिल ही डजंट कम, इस तरीके से अनटिल का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे दूरी की बात हो रही है कि वो मुझे पार्क तक छोड़ा या पार्क तक वो मेरे साथ था, तो ये सेंटेंस जो बनेगा, ही ए कंपनीड मी, अब यहाँ पे कंजंक्शन आपका चेंज होगा, अप टू होगा। अप टू का मतलब होता है डिस्टेंस के लिए, अप टू का यूज़ होता है, अप टू द पार्क, याद रखिएगा अप टू का यूज़ डिस्टेंस के लिए होता है। तो उसने मुझे पार्क तक छोड़ा, तो यहाँ अनटिल नहीं होगा बल्कि अप टू का यूज़ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए फटाफट। 6 में क्या होगा, ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। यहाँ पे जो बट आपका आया है, ऑल्दो के साथ बट का यूज़ नहीं होता है। ऑल्दो के साथ किसका यूज़ होगा, ऑल्दो के साथ बताइए, ऑल्दो के साथ किसका यूज़ होगा, ऑल्दो के साथ येट का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका येट होगा और बट की जगह पे येट हो जाएगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग, तो डिस्पाइट ऑफ इलनेस ही अटेंड्स द क्लास रेगुलरली, यहाँ पे हिंदी हो रहा है कि बीमारी के बावजूद वो क्लास रेगुलर अटेंड करता है। तो डिस्पाइट ऑफ इलनेस ही अटेंड्स द क्लास रेगुलरली, ये सेंटेंस में क्या मिस्टेक है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में अनलेस नहीं होगा रूपा झा, 5 में अप टू होगा, क्योंकि अनलेस तो कंडीशन के लिए आता है और अप टू जो होता है वो डिस्टेंस के लिए आता है, दूरी के लिए आता है, ठीक है। तो अप टू द पार्क होगा, वो तो हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मिस्टेक है। थोड़ा नेट की स्पीड आज बहुत स्लो है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। नहीं, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में जो है, डिस्पाइट ऑफ इलनेस ही अटेंड्स द क्लास रेगुलरली, यहाँ पे डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं होता है। आप ये सेंटेंस लिखेंगे इस तरीके से, डिस्पाइट इलनेस ये लिखेंगे, या आप इसको लिखेंगे इन स्पाइट, क्योंकि इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज होता है, इन स्पाइट ऑफ इलनेस, ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। डिस्पाइट के साथ बिना ऑफ आएगा और बिना ऑफ के डिस्पाइट आएगा, और इन स्पाइट लिखना है तो आप इसको ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि यू कैन सीट हियर अंटिल यू डोंट डिस्टर्ब मी, यू कैन सीट हियर अंटिल यू डोंट डिस्टर्ब मी, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कंजंक्शन का क्या एरर है बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या एरर है,
हाँ, नेटवर्क तो बहुत स्लो है, वीडियो रुक जा रहा है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ नेट की प्रॉब्लम है, तो अब क्या किया जा सकता है? और इसके बाद में अब क्वेश्चन नंबर 8 में यू कैन सिट हियर अंटिल यू डोंट डिस्टर्ब मी। यू कैन सिट हियर, तो अंटिल जो वर्ड है यहाँ पे, अंटिल वर्ड आपको टाइम के लिए आता है और यहाँ आपको देना है कंडीशन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि कंडीशन भी देना है, और दूसरी बात कि अंटिल टिल के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है, ये दोनों एरर हैं। तो दोनों एरर को हम ठीक कैसे करेंगे? तो यू कैन सिट हियर हियर अनलेस यू डिस्टर्ब मी। ये आपको इस तरीके से सेंटेंस होगा, अनलेस यू डिस्टर्ब मी, यानी कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, कंडीशन यही है कि आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। और नॉट जो डोंट लगा है तो वो नॉट भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, यू कैन नॉट गेट अ जॉब अनलेस यू आर नॉट 18। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या मिस्टेक हो सकता है बताइए? यू कांट गेट अ जॉब अनलेस यू आर नॉट 18। तो यहाँ जो अनलेस है, अनलेस कंडीशन के लिए यूज़ होता है, और इसमें कंडीशन है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि यू आर नॉट 18 में ये जो नॉट है, ये नॉट यहाँ से हटेगा, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये ऑलरेडी नेगेटिव टर्म इसमें होता है। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा, जॉब जॉब अनलेस यू आर 18, ये इस तरीके से सेंटेंस होगा। ठीक है, जॉब अनलेस यू आर 18। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, एज सुनर एज ही सॉ अ स्नेक ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग। एज सुनर एज ही सॉ अ स्नेक ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, हिंदी इसका होगा कि जैसे ही उसने सांप को देखा वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गौर से हम देखें तो एक बात समझ में आ रही है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की है, कि एज के साथ और एज डॉट डॉट एज के साथ, सो डॉट डॉट एज के साथ हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं या एडवर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि एज के बाद में सूनर आया है, और सून का कंपैरेटिव होता है सूनर, तो यहाँ पे कंपैरेटिव का यूज़ नहीं होगा, और यहाँ पे जो सही सेंटेंस होगा वो होगा एज सून एज ही सॉ, इस तरीके से ये सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा। तो एज सुनर की जगह पे एज सुन एज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, यू कैन कैच द ट्रेन अनलेस यू वॉक फास्ट। इसका हिंदी हुआ कि यू कैन कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन पकड़ सकते हो अनलेस यू वॉक फास्ट, अगर तुम तेजी से नहीं चले। तो तेजी से नहीं चलने पर ट्रेन पकड़ी जा सकती है? नहीं, तेजी से नहीं चलने पर ट्रेन नहीं पकड़ी जा सकती है। तो यहाँ आप अनलेस की वजह से ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जा रहा है, क्योंकि आप ट्रेन तब पकड़ सकते हैं जब आप तेजी से नहीं चले, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो अनलेस में आपको हमने बताया है कि अनलेस में मीनिंग जो लगा होता है वो इफ नॉट जुड़ा होता है। तो अनलेस मतलब इफ नॉट, और यहाँ से नॉट हटना चाहिए क्योंकि अनलेस में नॉट का सेंस है। तो इस सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से लिखे कि इस तरीके से लिखे तो ज़्यादा ये सेंटेंस सही होगा, यू यू कैन कैच द ट्रेन इफ यू वॉक फास्ट। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो रहा है। अब ये सेंटेंस मीनिंगफुल इसलिए हो रहा है कि इसका हिंदी देखें तो आप ट्रेन पकड़ सकते हैं अगर आप इफ़ यू वॉक फास्ट, अगर आप तेज चले तो, लेकिन अनलेस चूंकि नेगेटिव मीनिंग देता है तो
अनलेस नेगेटिव मीनिंग देता है तो इसका पॉजिटिव इफ देता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अनलेस की जगह पे इफ लगा दिया। अब ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, बिकॉज यू कैन सॉल्व द सम यू आर टैलेंटेड, बिकॉज यू कैन सॉल्व द सम यू आर टैलेंटेड। इस पार्ट में आप देखेंगे तो बिकॉज का यूज अननेसेसरी हुआ है और गलत तरीके से हुआ है, क्योंकि क्योंकि तुम सम सॉल्व कर सकते हो, यू आर टैलेंटेड, ठीक है, तो तुम टैलेंटेड हो। ये सेंटेंस थोड़ा मीनिंग अटपटा सा दे रहा है। अब इसके मीनिंग को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मीनिंग को सुधारने के लिए ये सेंटेंस का पैटर्निंग हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर टैलेंटेड ये बात सबको पता है कि वो टैलेंटेड है, उसे भी पता है, सुनने वाले को भी पता है। तो यहाँ पे एज से हम शुरू करेंगे, एज यू आर टैलेंटेड, एज यू आर टैलेंटेड कॉमा यू कैन सॉल्व द सम। अब आप यहाँ देखिए कि एज यू आर टैलेंटेड, चूंकि तुम टैलेंटेड हो, यानी कि उस आदमी को भी पता है कि भाई वो टैलेंटेड है, तो ऐसा कारण जो सुनने वाले और कहने वाले दोनों को पता हो उस कारण में, उस बात का, तो उसके लिए हम एज लगाते हैं, और ऐसी बात जो सिर्फ कहने वाले को पता हो, सुनने वाले को पता नहीं हो, उसके लिए हम बिकॉज लगाते हैं। तो एज यू आर टैलेंटेड यू कैन सॉल्व द सम, ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, तो इफ ही मिसेज द बस ही विल रीच देयर ऑन टाइम, हिंदी हुआ कि अगर वह बस मिस करता है तो वह समय पे वहां पहुंच जाएगा। क्या ये सही है सेंटेंस, अगर वह बस मिस करता है तो वह समय पर वहां पहुंच जाएगा, सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि यहां होना चाहिए था कि अगर वह बस मिस नहीं करता है, यहां भी निगेटिव आना चाहिए। तो इस चीज को हम अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं इफ की जगह पे, अब निगेटिव टर्म के लिए हमें अनलेस का देना पड़ेगा, अनलेस ही मिसेस द बस ही विल रीच देयर ऑन टाइम। अब आप देखिए कि अनलेस ही मिसेस द बस, यानी कि जब तक वह बस नहीं मिस करता है वो समय पे पहुंच जाएगा, अर्थात अगर वो बस नहीं मिस करता है तो वो समय पे पहुंच जाएगा। तो अगर नहीं का यूज करना हो तो अनलेस का यूज होगा, और सिर्फ अगर का यूज करना होता, पॉजिटिव सेंस देना होता, तो इफ का यूज होता। तो आज के लिए क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और ये वीडियो हो सकता है कि अगर लाइव कट गया हो बीच में तो मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा, इसलिए आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, और कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंजंक्शन एक्सरसाइज 1 शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स और वॉच द वीडियो। ओके, बाय।